भक्तमती शारदा का पुत्र सर्वानंद बहुत बड़े विद्वान जिसने सभी शास्त्रों को बहुत अच्छी तरह पढ़ रखा था, अक्षर ज्ञान था उसको, आत्मज्ञान नहीं था, और अवर्तमान के सभी शास्त्र विदों को, सभी विद्वान पुरुषों को शास्त्र अर्थ में पराजित कर दिया। उसके सामने टिकने वाला कोई नहीं था, साथ में शास्त्र रखता था एक बैल के ऊपर, ऐसे बैग सा बनाकर बैल के ऊपर, ऑक्स के ऊपर, और उसमें सारे शास्त्रों को, 18 पुराणों को, चारों वेदों को, गीता जी को, श्रीमद सुधा सागर को, श्रीमद भागवत सुधा सागर को, जो भी इनको सबको साथ रखता था। उस समय के सभी विद्वानों ने उसे पराजित पराजय मान ली थी अपनी, और सर्वानंद जो है सबको से विजयी हो चुका था। अब सर्वानंद के मन में आया कि अब मैं अपना नाम सर्वाजीत रखवा लूं। अपनी माँ से कहने लगा, माँ आज के बाद मेरा नाम सर्वाजीत कहा करो, मेरा नाम सर्वाजीत रख दो। भगतमती शारदा ने कहा, बेटा सर्वानंद नाम कौन सा बुरा है, बहुत ही अच्छा है, के बात कोई कहानी कारण बता। सर्वानंद ने कहा कि माँ मैंने सभी विद्वानों को आज के दिन, जितने भी विद्वान महापुरुष संत ब्राह्मण लोग हैं, मैंने सबको पराजित कर दिया शास्त्रार्थ में, मेरे सामने टिकने वाला कोई नहीं, इसलिए मैं अपना नाम सर्वाजीत रखवाना चाहता हूँ। शारदा जी ने कहा कि बेटा यदि अपनी माँ से सर्वाजीत कहलाना चाहता है तो मेरे गुरुदेव को वो पराजित कर दे, कबीर साहिब को। अब सर्वानंद पहले तो हंसा, उसको मालूम था कि मेरी माँ ने उस जुलाहित उपदेश ले रखा है, और ये भी मालूम था उस नादान को कि मेरी माँ बहुत दुखी रहा करती थी, बीमार रहती थी, सब अध्यात्मिक क्रियाएं सर्वानंद ने अपने हाथों भी कर ली थी, सभी देव बना लिए थे, माँ देव बना लिए थे, और साथ में वेदों के भी दवाई दिला दिला कर थक लिया था, और बिल्कुल स्वयं उसकी माता जी बता रही है, बेटा मेरे हाथ का प्रश सिर पर रखा था उस परमेश्वर ने, मैं तुरंत स्वस्थ होगी, फिर भी वो अभिमानी प्राणी नहीं मान्या। कहने लगा, माँ जब उसकी माँ ने उपदेश लिया था उस समय सर्वानंद ने कहा था कि माँ तेरी तो बुढ़ापे में आपकी बुद्धि अच्छी नहीं रही, आपने तो काम बिगाड़ दिया, हम ब्राह्मण वो एक दानक जुलाहा, एक नीच जाति का, और माँ तूने तो गलती कर दी। तब उसकी माँ ने कहा था, बेटा एक बात बता, जब मैं तड़पता करती रोया करती तो भी मेरे चरणों में बैठ कर रोता था बेटा, उस समय इस बरादरी ने, इस ब्राह्मण कुल ने मुझे के सहारा दिया, और क्या इन ब्रह्मा विष्णु में इससे हमें लाभ हुआ बेटा, ये तो भगवान बताए हैं तीन लोक के, भगवान हमारे गलत नहीं है, एक तो तीन लोक के भगवान है, ये कर्म दंड नहीं काट सकते पुत्र, आप भी विद्वान हो, भगवान राम ने बाली मारा था सुग्रीव का भाई त्रेता युग में, एक वृक्ष की ओट लेकर धोखा देखे, उसका भी बदला भगवान श्री कृष्ण रूप में वही विष्णु जी आए, वही श्री राम की आत्मा, और फिर अपना उनके भी पैर में तीर मारा, उस बाली की ही आत्मा एक पारदी बना, शिकारी बना, उसने उनका बदला लिया भाई, तो ये अपने कर्म भी नहीं काट सकते, हमारे दुखों का कैसा निवारण करेंगे। तो सर्वानंद कहता, माँ दुख तो कर्म के भोग नहीं पड़ते, भोग ही समाप्त होंगे, और बोले रे नादान बुद्धिहीन नो बता, जब मेरे कर्म का दंड तू ही बता करता, माँ ये तो कर्म का दंड है, भोगना ही पड़ेगा, अरे उस परमेश्वर के सिर पर हाथ रखते मेरा कर्म दंड कट गया, अब तो वही बोली फिर बोल रहा है, अब मैं ना मानू तेरी विद्वता ने बेटा, जो मेरे साथ स्वयं बीत चुकी है मैं तेरी बात ना सुनू, ऐसा एक वेद में लिखा है कि वो परमात्मा कबीर सागर पाप कर्मों को काटने वाला अंगारी कबीर थी, अंगारी का अर्थ होता है पाप कर्म काटने वाला, ये देखो यजुर्वेद
यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 का श्लोक नंबर 32। यह यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 32 में उसी कवि जो परम शांति दायक है, कबीर अंगहारी असी, वो पाप कर्म काटने वाला कबीर परमेश्वर है। बम भारी माने बंधनों का शत्रु, बम भारी वो बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर है। और रत धामा, ये देखो रत धामा, ये रत माने सत्य और धामा माने लोक वाला, सतलोक में रहने वाला, सब प्रकाशित समर ज्योति वो परमेश्वर कबीर साहब है। और गरीबदास जी अपनी वाणी में कहते हैं, जब जो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली अदल कबीर है कुल के सत्य गुरु एक। जम जो राजा से डरे मिटे कर्म के अंक, कागज कीरे दर गए दई 14 कोट नहीं चंपे। वो कबीर परमेश्वर है जो हमारे कर्मों के, पाप कर्मों के अंकों को मिटा देता है। अब क्योंकि हमारे अंदर ये मेहनताई इतनी घुस जाती है, मरना मंजूर, गधे बनना मंजूर, पर मान बढ़ाई नहीं छोड़ सकते, बल्कि सच्चाई को उल्ट पड़ेंगे। कुछ तो सोचना चाहिए, ये काहे कि मान बढ़ाई, दो जन का जीवन अपना और चले जाएंगे ऐसे ही। हमने अपने अधूरेपन को हारना पड़ेगा, प्रभु प्रसन्न होगा। और जरा बैठ कर भक्ति करेंगे डट के, तो सर्वानंद ने को उसकी माँ ने बहुत लताड़ा, नरे नादान तो आज भी नहीं कह रहा, यू ही कह रहा है, मेरे लिए तो बेटा वो भगवान है और परमेश्वर के परमेश्वर स्वयं आए हुए है। बेटा जिसका लग गया वो जाने, मेरा जितना दुखी प्राणी कोई नहीं था, न तेरी बात में नची लगा करती तो खूब दूता झाड़िया करता मेरे द्वारा बैठ के। और पुत्र जब तक शरीर स्वस्थ नहीं है तो इंसान का सारी संपत्ति और सव्यग्रह व्यर्थ है। तब वो कहने लगा, उसकी माँ बोली, बेटा उस कबीर परमेश्वर ने पराजित कर दे तो तेरी माँ तुझे सर्वाजीत कह देगी, ना तो बेटा तेरी माँ तुझे सर्वाजीत नहीं कहेगी। फिर हंसा वो, कहने लगा माँ तेर रही बोली कतई, सारी कतिये बोली है, उसका क्या राना, वो तो गवार है मेरे सामने, बोल नहीं सकता, ना उन वेदों का ज्ञान ना गीता का। उसकी माता बोली शारदा, कहने लगी बेटा ठीक है तेरी बात में फिर पीछे सुनूंगी, वो चाहे गवार है अरे वो सर्जन आ रहे है, ये तो बाद में पता चलेगा बेटा, तू उसको पराजित कर दो आप, फिर मैं आपको सर्वाजित कहूंगी। अब सर्वानंद ने अपना बैल के उसी थैले में, बैल के ऊपर एक थैले में सारे शास्त्र दसाए खूब डट कर और चल पड़ा दोपहर के समय। पहुंचा वहां पर उन जुलाहों की कॉलोनी में जहां वो कबीर परमेश्वर एक झोपड़ी डालकर रहा करते थे, एक लीला किया करते थे। हमें यह समझाने के लिए कि परमात्मा के पाने के लिए गणेदन की आवश्यकता नहीं है, जाति और मजहब ऊंच की आवश्यकता नहीं है, हमारी आत्मा स्वच्छ हो और सत भक्ति हो, विधिवत साधना हमारी हो तो सब ठीक हो सकता है, तुरंत प्रभु मिल सकता है। ना प्रभु तप से मिले, ना अन्य जप से मिले, ना हठ योग से मिले, ना किसी प्रकार से नहीं मिले, केवल सत भक्ति से मिले, विधिवत साधना से मिले और घर में रहकर, बाल बच्चों में रहकर भी प्रभु पाया जा सकता है। ये लीला की थी उन्होंने, कबीर साहब के अपने पुत्र पुत्री नहीं थे। आपने परिभाषा प्रभु की शंका और समाधान में पहले सुना कि कबीर परमात्मा ने दो बच्चों को, एक लड़की और लड़के को, मृत्यु हो गई थी उनकी, वो घरवालों ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया था दोनों का और फिर उसको जीवित किया था। उन बच्चों को 12-13 साल की आयु के को कमाल और कमाली नाम रख के अपने पुत्रों और पुत्री व्रत रखा था। कबीर परमेश्वर की अपनी संतान नहीं थी, ना उन्होंने कोई शादी की थी। ये बताना चाहते थे कि हम परमात्मा को ऐसे सत्र में भी पा सकते हैं। ये नमन से नमन सत्र का मतलब जीवन दिखाकर प्रभु ने हम सब का विश्वास दृढ़ किया। अब सर्वानंद अपने बैल के ऊपर रखकर सारा
सारे शास्त्रों को और पहुंचा वहां पर जाजुलाहों की कॉलोनी जहाँ कबीर परमेश्वर एक झोपड़ी में रहा करते थे। दोपहर का समय गर्मियों के दिन सर्वानंद जब कॉलोनी में पहुंचा तो कबीर परमेश्वर की रजा थे बहुत जोर की प्यास लग आई। सामने कुएं पर एक लड़की वही कमाली जो कबीर साहब की मुंह बोली बेटी थी जो शेख तकी की पुत्री मर गई थी उसको कब्र में दबा दिया गया था और फिर समाज को ये दिखाने के लिए कि कबीर परमेश्वर पूर्ण समर्थ है वो जीव की आयु भी बढ़ा सकते हैं कब्र में से निकलवा कर उस लड़की को जीवित किया था। वो लड़की कबीर साहब के साथ रहा करती थी। वो उस दिन कुएं पर पानी भर रही थी पानी निकाल रही थी अपने मटके में डाल रही थी। उधर से सर्वानंद जी का वहां पहुंचना हो गया और प्यास बहुत जोर की लगाई ऐसी लगाई कि यदि 10 मिनट जल ना मिले तो शायद प्राण पखेरू उड़ जाए। अब जुलाहों की कॉलोनी में आज से 550 वर्ष पूर्व लगभग यदि कोई ब्राह्मण चला जा और वो भी सर्वानंद जैसा महान पुरुष जिसका दुनिया में बोलबाला हो तो सब कॉलोनी वाले ऐसे देखते हैं बाहर निकल कर जो ऐसे हाथी आ जाए गाँव में और सब देखने को भी निकला करते हैं अब अपने द्वारों पर खड़े हो गए कि पंडित जी आज कहाँ जा रहे हैं। अब सर्वानंद ने देखा कि तू मरने वाला है और जल्दी जल पी ले। उस लड़की से कहा कि बेटी जल्दी पानी पिला मेरे तो प्राण उड़ने वाले हैं। लड़की ने अपने मटके में पानी ना डालकर और उसको ऐसे बाल्टी से पानी पिलाना प्रारंभ कर दिया। जब सर्वानंद जी का पेट भर गया प्यास बुझ गई तब देखा कि तू ब्राह्मण और ये दुल्हाओं की कॉलोनी और कुआ भी उन्हीं का है इसमें कोई शक नहीं दुल्हाओं की कॉलोनी में दुल्हाओं का एक कुप होगा। तब उसने देखा कोई देख तो नहीं रहा तुझे पानी पीते को देखा चारों तरफ दुनिया देख रही है खड़े होकर के। अब उन्हें सोचा अब तो बात बिगड़गी और बेइज्जती होगी। वो लड़की पे डांट मारता है कहता है लड़की ये किस जाति का कुआ है। तो कमाली ने कहा पंडित जी जुल्हों की कॉलोनी में मोहल्ले में तो जुल्हों का ही कुआ होगा ब्राह्मणों का नहीं हो सकता ये तो जुल्हों का कुआ है। तो गुस्से होकर कहता है लड़की तूने पहले क्यों नहीं बताया मुझे। तब वो लड़की कहती है रिसीवर उसमें तो आपकी जान जाने वाली थी प्यासे की आपने पहले पूछना चाहिए था ये कुआ किसका है। अब प्यास बुझ गई तो तुझे बातें आ गई है मर जाता एक मिनट में अगर तुझे जल ना मिलता था और ये जाति तेरी यही दरीरा जाती फिर पशु बनते। वो कहने लगा एक लड़की एक बात बताता है वो कबीर का घर कहाँ है यहाँ पे। वो लड़की ने पता था कि ये खसने वाले अज्ञानी जीव इस परमेश्वर के साथ न जाने कितने आवे। उस लड़की ने उसका जवाब दे दिया कि कबीर का घर शिखर में शिखर माने सबसे ऊपर सतलोक में और जहाँ से ले ली गैल और पाव न टके पपील के तू पंडित लाज रहा बैल। लड़की बोली कि पंडित जी इन शास्त्रों और पोथों इन वेदों में जो वर्णन विधि है वो पूजा की सही नहीं है। इन शास्त्रों के ज्ञान को कंठस्थ किए फिर रहा है इससे वो कबीर का घर जहाँ मालिक रहता सतलोक में वो नहीं पाया जा सकता। वहाँ तो चीटी भी नहीं जा सकती पपील माने चीटी पावना टेके पपील के तो पंडित ला दे रहा बैल। वहाँ तो अति सूक्ष्म ध्यान यानी दिव्य दृष्टि से मंत्र के अभ्यास से दिव्य दृष्टि बनेगी सतनाम सार नाम तक और फिर वहाँ जा सकते हो। कबीर का अगर शिखर में शिखर माने चोटी पे टॉप मोस्ट पालेश टॉप मोस्ट प्लेस यानी सबसे ऊपर का जो स्थान सतलोक में जहाँ सलहली गैल सलहली माने चीकनी रपटीली गैल माने रास्ता जाने का मार्ग बहुत रपटीला है अर्थात आम व्यक्ति आम साधक वहाँ नहीं जा सकता कबीर कृपा बिना। तब वो कहने लगा कि ए लड़की यहाँ कॉलोनी में कहाँ रहते हैं वो मैं तो यहाँ पूछ रहा हूँ
अब उसने पता नहीं के सतलोक तो वेदों को तो घोट लेते लेकिन इनको ज्ञान कुछ नहीं होता। तो कहने लगा यहाँ कहाँ रहता कॉलोनी में। तब वो लड़की बोली आ जाओ पंडित जी मेरे साथ आ जाओ ऋषिवर, मैं वहीं जा रही हूँ। पंडित जी उनके साथ था, लड़की पानी का मटका उठा करके आगे चल पड़ती है। पहले जाकर के कबीर साहब से कहती है पिताजी एक विद्वान पुरुष और बैल के ऊपर ना सब शास्त्रों को डाल के उसके ऊपर कपड़ा डाले हुए है आ रहा है और आपको पूछ रहा है दादा। कबीर साहब बोला बेटी कोई बात नहीं आ जाएंगे हम तो उनके दास है। लगता है महाराज जी कबाली बोली कि आपके साथ वो शास्त्रार्थ करेगा। कबीर साहब बोले बेटी हम तो अनजान व्यक्ति ना कोई ज्ञान हमें, वो विद्वान पुरुष हम हार मान लेंगे उनते एक आप जीत के हम हार गए बस। ये तो हार जीत के ये तो विजय के भूखे हैं, हम हार के भूखे हैं। इतने में वो सर्वानंद वहां पहुंचा और बाहर खड़ा हो गया द्वार पे, आवाज लगाई तो कमाली बाहर आई। कमाली को सर्वानंद जी ने एक लोटा दे दिया, एक लोटा पानी का लबालब भरा हुआ ऊपर तक बिल्कुल, अगर उसमें थोड़ा सा कोई जल डाल दे तो बाहर निकल जाए ऐसा फुल्लम फुल। तो कहा कि लड़की ये लोटा पानी का जो का तू ले जा, जल नहीं गिरना चाहिए इससे बाहर, और कबीर के सामने रख दे जो इसका उत्तर दे वो मुझे बताना आके। वो लड़की कमाली उस लोटे को ऐसे सावधानी से पकड़ कर लेगी कि पिताजी विद्वान पुरुष ने ये लोटा भेजा है कबीर साहब ने और कहा कि जो कबीर उत्तर दे वो मुझे बताना। कबीर साहब ने एक नीडल लोहे की सुई उठाई और उस जल के लोटे में डाल दी और वो तली में जाकर रुक गई। जाना ही था नीचे लोहे की नीडल सुई में और कहा जा बेटी विद्वान उसको दे आ। ऐसे वो लड़की लेकर उस लोटे को पहुंची। सर्वानंद जी ने पूछा कि क्या कहा कबीर ने। कमाली ने कहा कि कहा कुछ नहीं ऋषि जी, इसमें एक लोहे की सुई डाल दी। कहता ये क्या उत्तर हुआ। अंदर आता है कबीर साहब के पास जाकर कहता है कबीर तूने मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया। कबीर साहब ने कहा कि प्रश्न क्या था रिसीवर आपका। मेरा प्रश्न ये था कि मैंने ये पानी से भरा हुआ ऊपर तक लोटा आपके पास भेजा था इसलिए कि मैं ज्ञान से परिपूर्ण हूँ जैसे ये लोटा पानी से भरा हुआ है और इसमें अगर और एक बूंद भी पानी की डालेंगे वो बाहर जाएगी इसमें नहीं समाएगी, ऐसे मैं ज्ञान से परिपूर्ण हूँ और मैंने सभी विद्वान पुरुषों को पराजित कर दिया है। मैंने अपनी माँ से अपना नाम सर्वाजीत रखवाना है और मेरी माँ ने शर्त रखी है कि तू कबीर को हरा दे शास्त्रार्थ में तो मैं तुझे सर्वाजीत नाम रख दूंगी, ये मेरी समस्या है और अब तू अपनी हार देख दे बस। तेरा ज्ञान मैंने ये इसलिए लोटा भेजा है कि तेरा ज्ञान इसमें नहीं समाएगा मेरे अंदर, जैसे इस लोटे में कोई और पानी डालेंगे तो बाहर ही जाएगा, इस लोटे में स्थान नहीं है, ऐसे मेरे अंदर तेरा ज्ञान बिल्कुल नहीं समाएगा। सर्वानंद जी ने कबीर परमेश्वर से कहा अब तेरा उत्तर क्या है। कबीर साहब से पूछा सर्वानंद जी ने, कबीर साहब ने कहा कि मेरा उत्तर बताऊं क्या है। मैंने इसमें सुई इसलिए डाली है कि मेरा ज्ञान ऐसा सफाई है कि ये तेरे ज्ञान जैसे लोटे के तली में या सुई जाकर डटी है और तेरा पानी बाहर निकल गया, लोटे का जल बाहर निकल गया और सुई सतनी पे जाकर टिक गई है, ऐसे मेरा ज्ञान वो है कि तेरे इस सारे ज्ञान को बाहर कर देगा और ये तेरे हृदय में स्थान बना जाएगा। सर्वानंद ने कहा कि प्रश्न करो। अब जैसे पंडित जी आ जाओ किसी के घर में गरीब मोहल्ले में सब इकट्ठे हो गए जो लाए लोग अनपढ़ बेचारे जिनको ना भक्ति का ज्ञान है, तो बैठ के अब देखो आज बात होगी क्या चर्चा होगी। सर्वानंद ने कहा कि प्रश्न करो मुझसे जो तेरे मन में आवे। कबीर साहब ने कहा कि
कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, भाई मुझको दे बता। प्रश्न कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता और दादा का क्या नाम है मुझे बता दे। तो विद्वान तो है और इन्हीं के ऊपर तू रोटी खा रहा है, इन्हीं को सर्वसवा सर्वशक्तिमान अगर अमर बता रहा है, इनके माता पिता कौन है। वो कहता सब वो तो कोई माता पिता नहीं है, तो अगर वो अमर है, सदा शिव है, सदा विष्णु है, फलान है। कबीर साहब ने कहा कि शिव पुराण में आप विष्णु पुराण में देखिए कि ब्रह्मा विष्णु और शिव की, तो क्यों विष्णु पुराण विष्णु के उपासक थे, विष्णु पुराण को उठाओ विष्णु सर्वस्व और शिव पुराण को पढ़ जम कर शिव सर्वस्व। कबीर साहब ने कहा कि रुद्र संहिता संक्षिप्त शिव पुराण इसको अध्याय नंबर 6 ये सुना दे और देख उसमें क्या लिखा है। अब ये भगत समाज के लिए मैं अब संक्षेप दिखाता हूँ कि ये वास्तव में ये लिखा था, लेकिन उस विद्वान ने ज्ञान तो हो गया कि इसमें लिखा सही है, लेकिन उसमें संस्कृत के अंदर सब शास्त्र थे, सरलार्थ अनुवाद तो अभी हुए है। ये शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और इनके इनको ये सदाशिव अजर अमर मृत्युंजय और कालजय ये अनजान अधूरे संत कहते हैं और ये स्वयं कहते हैं हम तो नाशवान है, इनके माता पिता कोई नहीं, ये कहते हैं कोई माता पिता नहीं इनके, और ये स्वयं इनके माता पिता हमारे शास्त्र बता रहे हैं। ये देखो आपके सामने है, इनका कौन है, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार। इस पुस्तक के प्रश्न नंबर 101 पर देखो, नीचे 100 से देखिएगा, पहले ये 100 पर है। ये इनकी माता है कौन, सदा ये उस परम शक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जनित विकार रहित बताएगा। वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी अर्तर देवजननी ब्रह्मा विष्णु इसकी माँ कहलाती है, नित्या और मूल कारण कही गई है। वह सदाशिव से प्रकट की गई थी, उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। यह 13 वाली जो है इस ब्रह्मा विष्णु में तीनों देवताओं की माता है और विष्णु की उत्पत्ति ये देखो, ये कहते हैं विष्णु जब विष्णु कांड को सुनाते हैं तो सर्व सदा है, कोई माता पिता नहीं, ये है वो है। अब इसमें यही 101 पृष्ठ पे ब्रह्मा विष्णु सदाशिव से, सदाशिव कौन है, ये काल है, इस काल से देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई। ये शिवा कौन है, ये काल माँ ब्रह्मा माँ विष्णु माँ शिव रूप में, जैसे आपने सृष्टि रत्न नाम देखा वो ऊपर रहता है ब्रह्मलोक में, वहाँ पार्वती इस जब पार्वती और महाशिव और पार्वती के रूप में रहता है, जहाँ ये वहाँ तीन स्थान बनाकर रहता है, रजोगुण प्रधान सतोगुण प्रधान और तमोगुण प्रधान। जहाँ पर जैसे भी स्थान पर ये रहते हैं दोनों जने, वहाँ जो पुत्र उत्पन्न होता है, जैसे सतोगुण प्रधान क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ उत्पन्न हुए पुत्र का नाम ये विष्णु रख देता है, ये काल भगवान। अब जिस पर यह सृष्टि मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिव और शिवा ने ऊपर है पूरा विवरण, लेकिन अभी इतना ही बताएंगे कि ऊपर एक शिव
काशी नाम का क्षेत्र बनाया। एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में इच्छा हुई किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों काशी में केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरण करें और निर्वाण धारण करें। अब देखो यहाँ आ गया, ऐसे निश्चय करके शक्ति सहित यानी उस पार्वती यानी महाशक्ति शेरावाली को वो महापार्वती रूप में रखता अपने पास। दुर्गा के सहित सर्वव्यापी सर्व परमेश्वर ये लेख के अपने विचार है। सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम अंग के दसवें अंग पर अमृत मल दिया, अर्थात पति पत्नी का रूप से वहाँ पर व्यवहार किया और उसे शत्रुगुण की तरह धामता दिखती। एक सुंदर उस लोक में सबसे सुंदर जहाँ एक पुरुष उपरगट हुआ, पति पत्नी के व्यवहार से उनसे एक लड़का उत्पन्न हुआ और उन तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। उसका नाम इन्होंने कहा कि तेरा नाम विष्णु होगा। ये देखो अब यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि शिव ने कहा वत्स, विष्णु को शिव ने कहा बेटा। और ये कहते हैं विष्णु का कोई पिता नहीं, कोई माता नहीं। शिव ने कहा ये काल ने, काल महाशिव महाब्रह्मा महाविष्णु रूप में ब्रह्मलोक में रहता है। शिव ने कहा वत्स, व्यापक होने से के कारण तुम्हारा विष्णु नाम व्याप्त होगा, विख्यात होगा। अब देखो ये शिव महाप्राण इसमें ये अच्छा, इसी में आगे चल के ब्रह्मा की उत्पत्ति इसी शिव से हुई। अब यही बात हमने विचार करनी होगी कि अभी तक ये संत हमें कहां जाए बैठे हैं, ये कहते हैं ब्रह्मा विष्णु में ऐसे कोई माता को नहीं, सर्वेश्वर है, ये स्वयं अजन्मा है, फलाना है। अरे ये शास्त्र बताओ इनके माता पिता है? ये तो शिवप्राण बता रहा कि इनसे ये देखो वही शिव महापुराण। और इसके प्रश्न नंबर ये देखिए 103 पर, प्रश्न नंबर 103 पर नीचे ब्रह्मा बता रहा है तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने यानी दुर्गा ने और इस सदाशिव यानी काल ने पूर्ववत जैसे विष्णु उत्पन्न किया था अपने पत्नी और पति के व्यवहार में मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया, अर्थात ब्रह्मा की उत्पत्ति भी ये काल से हुई। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझे हृणा गर्भ का जन्म हुआ। अब यहाँ इस प्रकार ये ब्रह्मा भी कहता है कि मुझे भी नहीं मालूम मेरा पिता कौन है, ये मेरे जनक यानी पैदा करने वाले का मुझे भी नहीं मालूम वो कौन है। अब यहाँ ये अनजान संत आपको उलझाएंगे, कहेंगे उसके दाहिने अंग पर, कहते तो वैसे ही शिव ने अपनी मर्जी से वो कर दिया, नहीं यहाँ पर दाहिना अंग का अर्थ होता है उनके गर्भाधान में गर्भ स्थापित किया। अब देखिएगा ये शिव महापुराण संस्कृत सहित, क्योंकि ये अंधेरा इतना हो गया कि अब ये नकली संत आपको उलझाकर मानने कोशिश करेंगे पर नहीं उलझ सकते। ये शिव महापुराण भाषा सटीक का सहितम, अब ये देखो ये कहाँ से प्रकाशित है, श्री शिव महापुराण और डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी टीकाकार हैं, डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी साहित्य आयुर्वेद ज्योतिष आचार्य MA PhD DS DMC, यह है चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान दिल्ली, ये यहाँ से प्रकाशित है और इसके अंदर वही प्रकरण है संस्कृत सहित है। आप देखिएगा पहले संस्कृत देखो,
ये यहाँ पर ऊपर देखिएगा, ये प्रधानम प्रकृतम प्रकृतिम ताम च मायाम गुणवतीम प्राम बुद्धि तत्वस्य जननी आहुति कर्त विसर्जिताम। आगे देखो ये 20वां श्लोक आ गया। सा शक्ति अंबिका प्रोक्ता प्रकृति, उसी को प्रकृति कहा जाता है, सर्व सकलेश्वरी त्रिदेव जननी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, यह संस्कृत है। नित्ता मूल कारण मूल कारणम इत्युत उत अस्या अष्टो भुजा, इसकी आठ भुजा, अस्या अष्टो भुजा है, इसकी आठ भुजा है। अच्छा यहाँ हिंदी संस्कृत, हिंदी देखो नीचे, ये नीचे देखो, वही प्रधान प्रकृति गुणवती सर्व माया और वही बुद्धि तत्व की जननी है, उसी को विकार रहित कहते हैं। ये 20वां श्लोक। वही शक्ति अंबिका प्रकृति तीनों लोकों की ईश्वरी कही जाती है, तीनों देवताओं की जननी। ये देखो त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश की जननी, नित्या तथा सृष्टि का मूल कारण कही जाती है, इसकी आठ भुजाएं हैं। अब यहाँ देखो नीचे जाओ, अब इसमें लिखा है सीधा है, यह सखे है व्यापार दसवें अंगे है सुधार वासम, शिव और पार्वती ने, शाम और शिव ने, ये देखो आगे इधर इधर लाना, यहाँ ये है सत्या परमेश्वर है, उसके दसवें अंग सुधा वासम, इसकी हिंदी नीचे देखो इन्होंने किया है, उस परमेश्वर के उस परम शक्ति के दसवें अंग योनि में, वहाँ था ना, उन्होंने सीधा दसवां अंग छोड़ कर दिया, अमृत मल दिया, और सीधा कि उसके गर्भ दान स्थान में बीज रख दिया, अर्थात पति पत्नी के व्यवहार से सुधा रूपी आवास का प्रयोग किया, और जिससे ये नीचे देखो उसे एक लड़का एक बालक उत्पन्न हुआ, एक सुंदर तीनों लोकों में एक सुंदर पुरुष प्रकट हुआ, जो शांत और सतोगुण से युक्त था, गंभीर था। यहाँ नीचे लिखा है कि तुम्हारा विष्णु यह प्रसिद्ध नाम होगा। उस वचनों को सुनकर भगवान शिव जी बोले, बादलों के समान गंभीर वाणी से बोले, शिव जी ने कहा कि सर्वव्यापक होने से के कारण तुम्हारा विष्णु यह प्रसिद्ध नाम होगा, अर्थात भगवान शिव से विष्णु की उत्पत्ति। और ये कहते हैं विष्णु तो अजर है, अमर है, सर्वेश्वर है, और शिव भी, शिव की उत्पत्ति देवी भागवत महापुराण बताओ, क्योंकि ये लेखक जो है इन शास्त्रों के जो लेखक रहे वो स्वयं अधूरे थे, उन्होंने इन संस्कृत को भी ढंग से ना लिख पाए, नहीं समझ पाए। अब देवी भागवत महापुराण देखो, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति गीता प्रेस गोरखपुर से, इसके 123 पृष्ठ पे, इसके 123 पृष्ठ पे स्पष्ट लिखा है कि तीनों स्वीकार करते हैं कि हम तो आपके बच्चे हैं, आप ही हमारी माँ हो, तीसरा सकंद है ये सकंद, तीसरा सकंद यहाँ देखिएगा 123 नंबर पृष्ठ पे, ये बार बार दिखाना पड़ेगा क्योंकि आपको पहले के बच्चे की तरह इस भगत समाज को ये पाठ्यक्रम याद कराना होगा, क्योंकि पुराना रंग भी ऐसे काफी वर्षों से चल रहा। तीसरा सकंद, ब्रह्मा जी का भगवती के चरण नख में समस्त देख देवता आदि को देखना, ये 123 नंबर पृष्ठ है। भगवती को देख करके कहा कि यह सारा संसार तुम्ही से, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, विष्णु कहने लगा, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर,
विष्णु जी करें, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्वान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है, हमारा तो जन्म और मृत्यु होती है। केवल तुम ही नेता हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शिव क्या कहते हैं, जिनको ये अजन्मा अजर अमर सर्वेश्वर कहते हैं नादान संत, वे देवी शंकर भगवान बोले हैं, देवी यदि माँ भाग विष्णु तुम्हें से प्रकट हुए हैं, उत्पन्न हुए, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाला ब्रह्मा भी तुम्हारी बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। अब देखो कितना स्पष्ट कर दिया। इससे स्पष्ट और क्या किया जाएगा कि तीनों स्वीकार कर रहे हैं कि तू हमारी माँ है और हम आपके बालक हैं, हम आपके बच्चे हैं। अब आपने देखा कि शिव से विष्णु और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, और अब ये शिव पुराण में आपने पढ़ा और देवी भागवत ने प्रमाण कर दिया कि तीनों के तीनों कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। और ये नादान संत इन शिव को और ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिलोकीय ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वेश्वर, ये कभी इनका जन्म नहीं, अजर अमर है, कोई माता पिता नहीं, अर्थशास्त्र बता रहे। तो इससे सिद्ध होता है ये संत सही नहीं, अधूरी व्याख्या, अधूरा ज्ञान और काल के जाल में फंसेंगे और फंसाएंगे। अब देवी भागवत महापुराण को फिर सुनना, थोड़ा सा नए सिरे से सुनाना चाहता हूँ। पहले मैं मौखिक बताऊं थोड़ा सा। ये जन्मेजय ने जन्मेजय कौन है, ये राजा परीक्षित के पुत्र, और राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र अर्थात पांडवों के पोते, अभिमन्यु पांडवों के पोते राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय। जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा, तो व्यास जी ने से क्या पूछा कि हे राजा हमने आप ब्रह्मांड की रचना बताइए और कितने ही आचार्य भवानी को। अब देखो पहले देवी भागवत, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, श्री देवी भागवत माप श्रीमद देवी भागवतम। और इनके लेखक कौन है, ये देवी भागवत महापुराण ये नीचे देखिए, हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी। और इनके तीसरे स्कंद में ही आपको जन्मेजय ने पूछा कितने आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बतलाते हुए आदि माया महाशक्ति एवं परम पुरुष के साथ रहकर कार्य संपादन करने वाली प्रकृति है। ये प्रकृति शब्द आपको गीता में ध्यान रखना होगा जब गीता जी का सोलूशन होगा। ब्रह्म के साथ उनका अभेद संबंध है, ब्रह्म ये काल है, सर्व पुरुष है, और इसके साथ प्रकृति का ब्याह है, इस शेरा वाली का, ये ब्रह्म के साथ इसका अभेद संबंध है और ये प्रकृति देवी है, ये आपको दिखाना था इसके अंदर। आगे चलिए, फिर क्या बताया कि उसके बारे में, इस ब्रह्मांड की रचना के बारे में मुझे बताइए भगवान। व्यास जी से जन्मेजय ने पूछा, व्यास जी ने कहा कि हे राजन आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, ये है तो बहुत ही जटिल, आज तक इसका सही ढंग तो कोई बता नहीं पाया। व्यास जी ने कहा कि मैंने प्राचीन समय में एक समय नारद जी से ये प्रश्न किया था, हे ऋषिवर आप विद्वान पुरुष हो, इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई मुझे बताओ, यानी किसी को ढंग से नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम, क्योंकि कबीर परमेश्वर ही इसका रचनहार है और उस रचनहार के बिना अपनी रची हुई को कोई ठीक ठीक नहीं बता सकता। ये अथर्ववेद कांड नंबर 4 का
अनुवाक नंबर एक स्पष्ट करेगा कि वो परमात्मा अपने द्वारा जनीमा माने रची हुई रचना को ठीक ही स्वयं स्वयं बता ठीक आप स्वयं ही ठीक ठीक बता सकता है। क्या बता सकता है कि ब्रह्म से जनीमा ये है अथर्ववेद, इसकी संस्कृत आपके सामने है और मिला सकते हो वेदों से। अथर्ववेद 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 कांड नंबर 4 अनुवाद नंबर 1 सूक्त नंबर 1 के श्लोक नंबर 1 के साथ, इसमें आपको तीसरे श्लोक में बताऊंगा ये है। पर ये दजे विद्वानस्य देव बंधु विश्वा देवानाम जनीमा, जनीमा माने सृष्टि रचने वाला, विभक्ति माने अपने द्वारा रची हुई, जनीमा माने स्वयं रचना रचने रची हुई को, विभक्ति माने ठीक ठीक बताने वाला, वो स्वयं ही बताता है कि ब्रह्मणे उस भारे मध्यात अपने मध्य से, उस पूर्ण परमात्मा ने अपने मध्य से इस ब्रह्म की उद्भुज बार माने उत्पत्ति की, और नीचे और विचय सभी को अपने दोनों स्थानों पर सब विश्व सारे विश्व को रोका हुआ डाटा हुआ। अब इसमें ये पूछ रहा है ब्रह्मा जी ने, नारद जी कहता है कि व्यास जी कहते हैं कि मैंने ब्रह्मा जी से पूछा, नारद जी से व्यास ने पूछा, व्यास जी कहते हैं कि मैंने एक बार नारद जी से यही प्रश्न किया था जन्मजय जो तूने मुझे किया। नारद जी ने मुझे बताया कि हे व्यास जी ये बहुत ही जटिल समस्या है, यही प्रश्न मैंने अपने पूज्य पिता ब्रह्मा जी से किया था, नारद जी बताओ, और ब्रह्मा जी ने जो मुझे बताया, नारद जी बता रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी ने मेरे पिताजी ने मुझे बताया वो मैं तुझे सुना रहा हूँ, अब सुन। अब वही व्यास जी बता रहा है कि जो मैंने नारद से सुना और नारद जी ने ब्रह्मा जी से अपने पिताजी से सुना वो जन्मजय मैं तुझे सुना रहा हूँ कि नारद जी ने क्या बताया। कि नारद जी ने बताया कि मैंने जब अपने पिता ब्रह्मा से प्रश्न किया तो उन्होंने बताया कि बेटा, ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं, ये बड़ा प्रश्न बड़ा जटिल प्रश्न है। ये वही गीता जी श्रीमद् भागवत श्री देवी मद सेवी देवी भागवत श्री मद देवी भागवत वही है और इसका वही तीसरा स्कंद है, ये तीसरा स्कंद चल रहा है और प्रश्न नंबर 115 पे नीचे लाओ, यहाँ देखो। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं, यह प्रश्न बड़ा ही जटिल है, माँ भाग तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। ज्ञानी ने किसी ने नहीं, ना ब्रह्मा ने ना विष्णु ने ना शिव जी ने, ये एक दूसरे मुंह पर दान बने, अब आपने कहे उसमें ज्ञान होगा पर मुझे तो पूरा ज्ञान नहीं। माँ मते इस संसार में कोई भी रागी पुरुष ऐसा नहीं है जिसे ये रहस्य विदित हो, बता एक किसी नहीं मालूम इस बात का जो इस बात का कोई जानकार हो। कहते हैं पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था, स्थावर जंगम जितने प्राणी उनका कोई भी उनमें से कोई भी नहीं था, तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। उस समय मुझे सूर्य चंद्र वृक्ष आदि पर्वत कोई दिखाई नहीं दिया, कि कमल के ऊपर इस काल में उठाकर धरती है। अब उत्पत्ति हुई कुछ नहीं दिखाई पड़ रहे थे, मैं कमल की कनका पर बैठकर विचार करने लगा इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया, कौन मेरा रक्षक है, इस महाप्रलय में सृष्टि अनुसार करने वाला कौन विशिष्ट पुरुष है, कहीं भी स्पष्ट रूप से भूमि नहीं दिखाई देती है जिस पर यह जल टिका हुआ है, यह कमल कैसे उत्पन्न हुआ, एवं रूढ़ एवं यौगिक दोनों अर्थों में कोई इसका कारण ही होना ही चाहिए। अब क्या देखा नीचे, इस यह विचार करके इसका कहीं ना कहीं जड़ होगी, ये विचार करके मैं जल में उतरा, 1000 वर्ष तक उसका अन्वेषण करता रहा और कहीं पर भी इसका जल का कहीं और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई तप करो तप करो, तब मैंने तपस्या आरंभ की, कमल पर बैठे ही 1000 वर्ष तक तप करता रहा। फिर उसी समय सृष्टि करो ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी, उसे सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया, सोचा कि किसकी सृष्टि करूं, कहां मेरा क्या कर्तव्य है। अब मैं ये उसी समय मधु और कैटभ नाम के दो राक्षस
भयंकर दानव राक्षस सामने आ गए। वे उस महावरण में मुझसे युद्ध करने की इच्छा प्रकट करने लगे। मैं उनसे भयभीत हो उठा, तब कमल का डंठल पकड़कर जल में उतरा। वहाँ मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन हुए। उनका विग्रह श्री विग्रह मेघ के समान श्याम था। वे पीताम्बर पहने थे, चार भुजाएं थी, शेषनाग की सिया पर सोए थे। उन जगत प्रभु के गले को वनमाला सुशोभित कर रही थी। शंख चक्र गदा और पद्म इन चार आयुधों से अनुपम शोभा पा रहे थे। ऐसे शेष साई भगवान विष्णु का मुझे दर्शन हुआ। वे योग निद्रा में थे, वसीभूत योग निद्रा में थे, वो बेहोश पड़े थे। भगवान विष्णु शेष सैया पे और ये कहते नींद में सोए थे। ये काल बड़ा चालबाज है, इनको बेहोश रखता है। छोटे से बालक होते तब उनकी सारी चेष्टाएं शांत थी। नारद जी शेष नाग की सैया पर सोए हुए उस प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा। इतने भगवती योग निद्रा याद आ गई, मैंने उनका सत्वन किया। तब वे कल्याण में भगवती श्री विष्णु के विग्रह से निकलकर, उसके शरीर से निकलकर अत्यंत रूप धारण करके आकाश में विराजमान होगी और दिव्य आभूषण उनकी छवि बढ़ा रहे थे। जब योग निंद्रा भगवान विष्णु के शरीर से निकल गई, अलग होकर आकाश में विराजने लगी, तब तुरंत ही शरीर हरी उठ बैठे। यो बेहोश पड़ा था भगवान विष्णु। उन्होंने मधु और कैटव के साथ 5000 वर्ष तक समघमासान लड़ाई की। अब 5000 वर्ष तक तेईस विष्णु जीते, मधु और कैटव राक्षस नहीं मरे। ये भी पता होगा लग जाएगा कितने समर्थ हैं विष्णु। और ये कब मरे? तब वे दैत्य मरे। कब मरे? पहले देवी के कटाक्ष से मधु और कैटव मोहित हो गए थे। इसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लेटाकर उन्हें प्राण रहित कर दिया। और वहाँ पर मैं और विष्णु दो थे, वहीं पर ये रुद्र ये शंकर भी प्रकट हो गया। हम तीनों को भगवती अध्यात्म शक्ति ने दर्शन हुए, उन्हें देखकर मन मुग्ध हो गया उनकी सतुती की। तब देवी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि स्थिति और संहार ये तुम्हारे कर्तव्य है। अब यहाँ थोड़ा सा मैं आपको फिर बताऊंगा। ये काल भगवान बहुत धोखे में रखता है अपने पुत्रों को भी। ये ज्योत निरंजन जो गीता में कहता मैं काल हूँ, कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके ये ऐसे बोलता है। इस काल भगवान ने ब्रह्मांड में, ये एक ब्रह्मांड में, वैसे तो इसके 21 ब्रह्मांड हैं, उन्होंने एक ऐसा लोक बना रखा ब्रह्म लोक। उस ब्रह्म लोक के अंदर ये तीन स्थिति तीन स्थान बना रखे हैं, एक सतोगुण प्रधान, एक तमोगुण प्रधान अक्षेत्र और एक रजोगुण प्रधान अक्षेत्र। अब जैसे एक कमरे में अश्लील चित्र लगे हो तो उसमें मन उत्तेजित होता है बुराई की तरफ, और किसी कमरे में एक महर्षियों के संतों के फोटो लगे हो तो शांत हो जाता है, प्रभु में लग जाता है। और यदि कहीं पर शहीदों के सूरवीरों के लगे हो तो खून खोलने लगता अपने आप। ऐसे ये तीन स्थान बना गए। ये काल ब्रह्म लोक में महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप में रहता है और वहाँ पर अपनी पत्नी दुर्गा को महासावित्री महालक्ष्मी और महाशिवा पार्वती रूप में रखता है। जब ये दोनों उस रजोगुण प्रभावित क्षेत्र में होते हैं तो वहाँ महासावित्री महाब्रह्मा रूप में रजोगुण होकर के जिस पुत्र की उत्पत्ति करते हैं उसका नाम ब्रह्मा रख देते हैं और वो रजोगुण बना देते हैं उसको। फिर सतोगुण क्षेत्र में रहकर जो ये उत्पन्न करते हैं, पुत्र उत्पन्न करते हैं, तो वहाँ उस जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम विष्णु रख देते हैं सतोगुण प्रधान क्षेत्र में, तो ये उसको सतोगुण बना देते हैं। और तीसरा जो है तमोगुण क्षेत्र में जब रहकर ये कोई पुत्र उत्पन्न करते हैं उसका नाम रुद्र अर्थात शंकर शिव रखते हैं, वो तमोगुण बना देते हैं। ऐसे ये काल जाल, काल का जाल है। अब देखिएगा, ये संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए कि वो काल भगवान जो है ये ब्रह्म कहलाता है, जो गीता जी में कहता है कि मैं सबका काल हूँ, सबको खाने के लिए आया हूँ। श्री कृष्ण जी में प्रवेश होकर वो अव्यक्त, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म भी हो सकता है, ये सिद्धियाँ होती हैं।
ये एक एक अंड का चित्र है। अंड कहो इसको, ब्रह्मंड कहो या पिंड कहो। अंड तो इसलिए कहते हैं एलिप्टिकल शेप में इसकी सीमाएं हैं बाहर की, और ब्रह्मंड इसी का नाम है। एक ब्रह्मंड में ये सब लोक होते हैं, सात लोक ये हैं नीचे के और बाकी ऊपर के, और इसके शरीर के अंदर व्यवस्था भी है, इसलिए इसको पिंड भी कहते हैं। पिंड, ब्रह्मंड और अंड इस एक ही का नाम है। अब यहाँ देखो, ये नीचे के सात लोक हैं, ये पाताल लोक है, ये बाकी अतल उतलादि हैं, और ये पृथ्वी लोक है, ये पाताल लोक है, ये तलातल महातल वितल अतलादि, ये रसातल सुतल, ये पृथ्वी है जिस पर हम विराजमान हैं, और ये साथ में स्वर्ग लोक है, इंद्र का लोक, ये इंद्र के लोक के साथ ही स्वर्ग लोक है क्योंकि ये इसकी राजधानी है, इस पर इसका कंट्रोल है। ये शिवलोक है, ये इधर धर्मराय का लोक जो लेखा जोखा करता सभी प्राणियों का, ये भगवान शिव त्रिलोकीय शिव है, ये ब्रह्मलोकीय शिव है, ये त्रिलोकीय शिव है, ये इनका पिता है जो तीन लोक रूप बनाकर रहता है, ये त्रिलोकीय शिव यानी तीन लोकों पर जिनका नीचे के पृथ्वी पाताल और स्वर्ग पर ही इनका केवल आधिपत्य है, इस पृथ्वी पे, इस स्वर्गलोक पे और नीचे पाताल लोक में प्राणी है, इन पर इन तीनों की प्रभुता, ये एक एक विभाग के मालिक है। भगवान शिव तमोगुण है और ये सतोगुण है, और ये रजोगुण है भगवान ब्रह्मा, और ये विष्णु जी सतोगुण है। इनके पिता जो काल भगवान है, जो कभी किसी के सामने नहीं आते, वो यहाँ रहते हैं। ये देखो ये लोक है, वो इसमें ये काल भगवान, ये एक इसको ब्रह्म लोक कहते हैं, ये बहुत लंबा चौड़ा एक बटा तीन भाग इस पूरे अंड का ब्रह्मांड का इसने इसमें दिया हुआ है। ये चित्र छोटा दिखा करके थोड़ा सा स्थान अभाव में बनाया गया, फॉर एग्जाम्पल ओनली, केवल उदाहरण के लिए, ये वास्तविकता नहीं है विशेष, लेकिन उदाहरण के लिए ये ऐसा दिखाया। यहाँ एक स्वर्ग है, महास्वर्ग, इंद्र आदि जो वहाँ भी इंद्र आदि है, और यहाँ पर बहुत ज्यादा और भी बस्तियां बनी हुई है। इसके आगे चल के थोड़ा सा आगे, ये थोड़ा सा यहाँ पर है, ये लंबा मोटा दिखाने के लिए इसलिए खुले खुले बनाने पड़ गए। यहाँ पर नकली लोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक भी इस काल में इस स्वर्ग से थोड़ा सा आगे बना रखे है। यहाँ इसके पीछे स्वर्ग है, इसे आगे और नकली बना रखे है। अब ये काल जो है, और ये प्रकृति का, इस माया का लोक है, सेरा वाली यहाँ रहती है, इससे भी अलग इसने तीन स्थान बना रखे हैं काल ने। और यहाँ पर ये जब ये सतोगुण प्रधान क्षेत्र है, ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, और ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र है। यहाँ पर ये इस प्रकृति देवी को, इसी का जब शिवलोक, इस सतोगुण प्रधान रजोगुण तमोगुण प्रधान क्षेत्र में जब ये होता है, उसमें इस प्रकृति देवी को पार्वती रूप बना लेता है, महापार्वती, इसी को शिवा, और ये स्वयं को शिव कहलाता है। यहाँ जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम शंकर, फिर महादेव आदि नाम पड़ जाते हैं, और उसको फिर इस लोक में भेज देता है। ये सामने देखिए, ये इसका पुत्र है इस काल का, और फिर ये यहाँ ब्रह्मा, महाब्रह्मा और इसी प्रकृति देवी को अपनी पत्नी के रूप में यहाँ रखता है, सावित्री रूप में, और यहाँ जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम ब्रह्मा रखता है, और उसको यहाँ अलग स्थान दे देता है। और जब ये सतोगुण प्रधान क्षेत्र में ऐसे अपनी पत्नी को साथ रखता है, जो ये बच्चा उत्पन्न होता है उसको वहाँ परवरिश करके, इनको बेहोश करके, पहले बेहोश रखते हैं इन सबको जब तक ये यंग नहीं होते, जवान नहीं होते, और फिर जब जवान हो जाते हैं इनको ऐसे स्थान अलग से इकट्ठे कर देते हैं। और ये जो सतोगुण प्रधान क्षेत्र में जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम विष्णु रखते हैं, और इसको फिर अलग से लोक दे करके यहाँ विष्णु लोक में, ये अलग से नीचे का विष्णु लोक है, यहाँ रख देते हैं। अब ये ज्ञान, और यहाँ पर ये कबीर परमेश्वर भी इस एक अंड में भी स्वयं रहता है प्रभु, ताकि इनकी समर्थता के सामने ये सब अपना कार्य सुचारू करते रहते हैं, ये सब अपना कार्य सुचारू करते रहते हैं। इसलिए ये जैसे राजदूत भवन होता है हर देश का, हर देश में ऐसे ही ये कबीर परमेश्वर अपना अन्य रूप बना के यहाँ भी रहता है।
ये समर्थ होते हैं जो चाहे जितने बना सकते हैं। ये एक ब्रह्मांड है, ये आपने देखा, ये एक ब्रह्मांड है और हम एक, ये एक ही ब्रह्मांड में के एक तीन लोकों के कुल मालिक हैं। एक लोक ये है, एक पृथ्वी लोक, ये एक ही पाताल लोक, ये केवल इन तीनों लोकों पर प्रभु हैं। यहाँ पर भी इनकी पहुंच नहीं है, यहाँ भी ये नहीं जा सकते, ये भी अपनी कृपा से जाज में बैठा कर या माई ले जाती है। अब सुनिए, और ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड है इस काल के, ऐसे ऐसे ये 21 ब्रह्मांड है। अब देखिए, ये एक महाब्रह्मांड बनाया हुआ है काल भगवान ने। ये जो ना, ये चार, ये महाब्रह्मांड, एक महाब्रह्मांड ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। एक महाब्रह्मांड में अभी आपने जो एक ब्रह्मांड देखा था, एक अंड देखा था, ये पांच हैं। एक महाब्रह्मांड में ये पांच ब्रह्मांड हैं। अब देखो, ऐसे ऐसे ये 20 ब्रह्मांड हुए और ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो एक ब्रह्मांड के कुछ अंश के तीन लोकों पे ही प्रभु हैं। और इनको सर्वस्व, कालज, सर्वशक्तिमान, सब लोकों के महेश्वर, ये अनजान संत बतावे सर्वानंद जैसे। अब ऊपर देखिए, इनको मृत्युंजय कहे शिव ने, और ये कहे ये तो दरण कितने मरते हैं। अब ये जो एक लोक और है, ऐसा ब्रह्मांड है अरिपिकल, ये सिर्फ ज्यादा विस्तृत दिखाने के लिए खुले खुले बना दिए। ये 21 महाब्रह्मांड का हो चाहे महाब्रह्मांड, एक महाब्रह्मांड को इसने स्वयं लिया हुआ है यहाँ पे। ये इसकी राजधानी है काल भगवान की। जब ये विष्णु पुराण में आपने पढ़ा, जब ये प्रकृति देवी से अलग हो जाता, जब अपने यहाँ नीचे की पूरी प्रजन होकर उत्पत्ति, फिर यहाँ आ जाता है। ये यहाँ इसका वास्तविक रूप, जिसको विष्णु कहते हैं, ये महाविष्णु अर्थात ये काल, ये यहाँ वास्तविक काल रूप में यहाँ रहता है। इसका काल रूप प्रकट होता है, जैसा विष्णु पुराण में आपने सुना, वो उसमें यहाँ रहता है। और यहाँ पर भी इसने एक नकली सतलोक, ये देखिए, यहाँ तपत शिला बनी हुई है, इस पर भून कर जीवों को खाता है। ये नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक, नकली अनामी लोक ये यहाँ बना रखे है। और ये नकली नाम जपने वाले संतों को प्रथम तो वो एक ब्रह्मांड में ही बना रखा है नकली, उसमें रोक लेता है। यहाँ तक तो बहुत देर से, जब ये सब ब्रह्मांड विनाश में आते हैं 20 नीचे के, तब इनको यहाँ रखता है। अब देखो, ये है काल का पूरा ब्रह्मांड, यानी पूरा लोक का भी चित्र। अब जब तक हमने सही ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम ऐसे ही अधूरा पधूरा काम करते रहेंगे, भक्ति ठीक ना बनेगी और हम अपना भक्तिहीन होकर मानुष जीवन व्रत कर देंगे। अब जैसा कि इससे पहले आपने पढ़ा था कि ब्रह्मा जी बता रहे थे कि मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम कहां से आ गया। फिर एक दो राक्षस आए मधुर कैटब नाम के, उनसे डरकर मैं नीचे उतरा। नीचे उतरा तो एक शेर सैया पर चतुर्भुज युक्त, जिसके हाथों में संघ चक्र गदा पद्म थे, भगवान विष्णु शेर सैया पर बेहोश पड़े थे। फिर उसमें से एक शक्ति निकली, फिर वो होश में आए और फिर उनकी आपस में भगवान विष्णु का युद्ध उन मधु कैटब राक्षसों के साथ 5000 वर्ष तक हुआ। 5000 वर्ष तक भगवान विष्णु मधु कैटब को नहीं मार पाए। इसे सिद्ध होता कि समर्थ भी नहीं है, ये पूर्ण नहीं है। मरे जब देवी ने अपना दूसरा रूप बनाकर उनके सामने प्रकट हुई सुंदर रूप बनाकर, और वो देवी के रूप पर आसक्त हो गए, उसकी तरफ ज्यादा खिंचाव हो गया, तब भगवान विष्णु ने पीछे तो पकड़ कर गर्दन दबोच कर वो दोनों मारे, तब वो मरे। फिर इतने में कहते हैं शिव भी वहीं आ गया। हम तीनों इकट्ठे हो गए।